होती है। जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। और कॉन्कर करने के लिए आपको पता होगा टॉप 500 की रैंकिंग में आना पड़ता है। अभी करंट रैंक जो अपना 300 चल रहा है, लेकिन अभी तक भी यहाँ पे अपने को कॉन्कर मिला नहीं है। तो मैक्सिमम लोग जो पहली बार ही रैंक विश करते हैं, उनका भी 500 में रैंक आने के बाद यही रहता है कि यार 500 में अभी रैंक तो आ गया, लेकिन कॉन्कर अपने को कब मिलेगा। तो कॉन्कर के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, मॉर्निंग के 5:40 पे आपको कॉन्कर मिल जाता है। लेकिन कॉन्कर आपको तभी मिलेगा अगर उस टाइम तक आपका रैंक जो है टॉप 500 के अंदर ही रहता है। तो रात को 12 बजे के आसपास आपको मिनिमम 200 या 300 रैंक करके छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी रैंक इंक्रीज हो जाती है। अगर आप 400 के पास रैंक अपना करके छोड़ोगे तो हो सकता है मॉर्निंग तक आपका रैंक जो 500 से बाहर चला जाए और आपको कॉन्कर ना मिले। बाकी आप में से कितने लोगों ने ऑलरेडी ये वाले सीजन में कॉन्कर लगा दिया और कितने लोग अभी तक भी रैंक विश कर रहे हैं, कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। बाकी दिल से शुक्रिया जितने भी लोग अपने को रेगुलर पॉपुलैरिटी दे रहे हैं। और अभी तो थोड़ा सा वीडियो एडिट करने में लेट हो रहा है, लेकिन आज रात को मैं रैंडम पॉपुलैरिटी में से रॉयल पास का गिव अवे इंस्टाग्राम पे कर दूंगा। तो यार ऐसे ही फ्री वाली पॉपुलैरिटी मारते रहना। तो यार फिलहाल चल लेते हैं आज के अपने गेम प्लेस पे। तो यार आज टोटल 3 गेम प्ले जाएंगे, तो अभी फिलहाल ये वाले गेम प्ले की बात करते हैं। अब यार यहाँ पे मैं जोन के अंदर जा ही रहा था, ये जगह पे एक मेरे को ओपन में बंदा स्पॉट हुआ था। बंदा नीचे साइड लेट पे रखा था, मैं सोचा था बंदे को बग्गी से उड़ा देंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे मैं ज्यादा रिस्क लेता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी एक मेरे को डासिया स्पॉट होती है। मेरे को लगा कोई बंदा अगर ब्रिज पे कैंप कर रहा होगा तो अपने को दिक्कत दे सकता है। फिलहाल अभी के लिए मैं जोन के अंदर आ चुका था, तो ये वाला कंपाउंड अभी के लिए जोन के अंदर था। फिलहाल यहाँ पे जो इसके बाद वाला जोन था अपने शिफ्ट हो जाता है, तो अभी मैं सोचा कि सेंटर वाली साइड पे एक बार जाने का ट्राई करते हैं, मे बी अपने कोई कंपाउंड वहाँ पे खाली मिल जाए। तो भी यार यहाँ पे वेयर हाउस में रुकने से पहले एक बार मैं दूर से चेक कर रहा था, लेकिन जैसे ही अंदर साइड में कोई एक एनर्जी ड्रिंक दिखता है, मैं समझ गया ये वाला वेयर हाउस यहाँ पे लूटेड भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो अपने सामने साइड पे एक और कंपाउंड था, वहाँ से एक बंदा अपने ऊपर शॉट्स लेता है, लेकिन अभी के लिए ये बंदे से फाइट लेने का मैं ट्राई नहीं करता हूँ, यहीं पे आराम से इसके बाद वाला जोन बनने का वेट करता हूँ। और अभी यहाँ पे लकीली अभी के लिए तो ये वाला जोन भी अपने ऊपर ही बन जाता है, लेकिन तभी जो पीछे साइड कंपाउंड वाला बंदा था, इस बंदे के मेरे को अपने क्लोज आने के फुटस्टेप आते हैं। अब यार यहाँ पे सामने वाला बंदा भी अपने पे नेड कर रहा था, तो पहले मैं थोड़ा पीछे वाली साइड पे सेफ आता हूँ, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्मोक वगैरह करके ये बंदा ही क्रेट से लूट में कर लेता हूँ। तो यार फिलहाल के लिए ये बंदे की बग्गी को मैं वेयर हाउस के अंदर सेफ ले आता हूँ। उतने में राइट साइड से मेरे को अभी एक और बग्गी का साउंड आता है। अब ये वाला बंदा जो था अपने सामने वाली साइड पे आके रुक गया था। तो यार ये वाले बंदे को नेर से अच्छा खासा डैमेज पड़ गया था, इसके बाद इजी इस बंदे को फिनिश कर दिया। लेकिन इसके बाद वाला जो जोन था अभी अपने से शिफ्ट हो जाता है। तो यार अभी भी यहाँ पे ठीक ठाक बंदे लाइव थे, तो मैं सोचा था जोन के स्टार्ट होते ही मैं भी जोन में निकलूंगा, लेकिन तभी राइट साइड से एक बंदे का मेरे को साउंड आता है। तो ये वाला बंदा भी यहाँ पे मॉली करने का ट्राई कर रहा था, उतने में इजी ये वाले बंदे को फिनिश कर दिया। फिलहाल अभी यहाँ पे अपने को जोन में निकलना था, तो जोन के अंदर वाली साइड में यहाँ पे मैं रैंडम स्मोक्स कर देता हूँ। अब यार यहाँ पे नीचे साइड पे बंदों की फाइट होती है, तो अभी यहाँ पे मेरे को छोड़ के सिर्फ 2 बंदे और अलाइव थे। तो भी यार यहाँ पे लास्ट वाला जोन भी अपने शिफ्ट हो जाता है, और अभी के लिए भी यहाँ पे मेरे को बाकी के दोनों बंदों की लोकेशन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था।
अब यहाँ पे राइट साइड वाले पेड़ में शील्ड और डासी थी, तो मेरे को लगा एक बंदा मे बी अभी वहीं पे हो सकता है। लेकिन यार अपने नेट से अभी के लिए तो बंदा फिनिश होता नहीं। फिलहाल अभी के लिए ये वाला जोन भी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला था, तो एक रैंडम मैं स्मोक जोन के अंदर वाली साइड पे कर देता हूँ। अब यार ये वाले बंदे को तो जैसे जैसे फिनिश करता हूँ, लेकिन उतने में क्या होता है दूसरा वाला बंदा रश कर देता है। अब यहाँ पे ये वाले बंदे को भी अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, लेकिन यार अपनी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा लो थी। बंदा एक गोली मार के अपने को फिनिश कर देता है, लेकिन कोई ना, यहाँ पे हैशटैग 2 पे अपने को 22 का प्लस मिल गया था। तो भी यार फिलहाल चल लेते हैं आज के अपने सेकेंड गेम प्ले पे। अब यहाँ पे पीछे वाली साइड से एक बंदा अपनी बग्गी का टायर फोड़ देता है। फिलहाल के लिए अच्छी बात ये थी कि यार ये वाला डीप यहाँ पे जोन के अंदर था, तो यहीं पे आके मैं रुक जाता हूँ। लेकिन अब यार यहाँ पे जो अपने आगे वाले साइड पे दो कंपाउंड से, दोनों कंपाउंड से मेरे को गाड़ियाँ दिख गई थी, और ये वाला बंदा कोई अपने ऊपर एक नेट भी कर रहा था। तो जो राइट साइड में बंदा था उसका मेरे को थोड़ा बहुत साउंड आ रहा था, तो यहाँ पे मैं रैंडम नेट्स करने का ट्राई करता हूँ। अब यार इसके बाद वाला जोन जो था लेके लिए अपने ऊपर बन जाता है, लेकिन अभी जो सामने दोनों कंपाउंड्स वाले बंदे थे, ये दोनों बंदों को जोन के अंदर आना था। अब यहाँ पे जो राइट साइड वाला बंदा था, ये बंदा तो स्मोक करके डासिया लेके निकल जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ पे मेरे को पता था लेफ्ट साइड वाला जो एक बंदा, उसको भी जोन के अंदर आना है। तो भी यार यहाँ पे इसके बाद वाला जोन अपने लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा था, और अभी वहाँ पे दो बंदों की फाइट भी चल रही थी, तो यहाँ पे अपने पास एक अच्छा मौका था सामने वाले बंदे पे क्लोज इन करने का। तो यहाँ पे नेट से तो बंदा बच गया था, लेकिन यार मौलिक से बंदा एकदम इजी फिनिश हो जाता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरे को छोड़ के सिर्फ दो ही बंदे और लाइफ से, और अभी के लिए यहाँ पे ये यह वाला पत्थर जोन के अंदर था, तो मैं जल्दी से यहीं पे आ जाता हूँ। अब एक बंदा तो सामने साइड पे था, और दूसरे बंदे ने अभी राइट साइड में कहीं पे स्मोक कर रखा था। फिलहाल यहाँ पे मैं लास्ट वाला जोन बनने का वेट कर रहा था, लेकिन अभी लास्ट जोन जो था सामने वाली साइड पे जो बंदा था उसकी साइड को शिफ्ट हो जाता है। अब ये वाला बंदा मेरे को पता था जोर से शील्ड के अंदर ही बैठ रखा होगा। तो भी यार यहाँ पे एक लास्ट बंदा लाइव था, ये बंदे की मेरे को लोकेशन तो नहीं पता थी, लेकिन इतना मेरे को पता था बंदा कहीं पे राइट साइड में ही होगा। तो भी यहाँ पे राइट साइड में मैं रैंडम स्मोक कर देता हूँ, इसके बाद पहले मैं सोचा जोन के अंदर जाने का ट्राई करते हैं। अब सामने वाले पेड़ के पास मेरे को एक शील्ड दिखती है, तो मेरे को लगा शायद से भी लास्ट वाला बंदा वहीं पर होगा। तो भी यहाँ पे जोन के अंदर आके एक शील्ड का कवर में लगा लेता हूँ, इसके बाद अभी मैं थोड़ा यहाँ पे बूस्ट वगैरह कर ही रहा था। अब यार ये वाला बंदा एग्जैक्ट अपने को वही जगह से मारता है जहाँ पे इससे पहले मैं था, तो मेरे को अभी तक भी लग रहा था यार बंदा अपने सामने वाली साइड पे, लेकिन यार ये बंदे ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया। लेकिन कोई ना, हैशटैग 2 पे अपने को 29 का प्लस मिल गया था। तो भी यार चल लेते हैं आज के अपने लास्ट गेम प्ले पे। फिलहाल अभी यहाँ पे मैं जोन बनने का वेट कर रहा था, तो अभी रास्ते में एक बग्गी वाले बंदे का यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन मैं सोचा छोड़ो भाई यहाँ पे जोन बन चुका है, पहले जोन के अंदर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर इस बंदे को ऊपर में मारने के लिए रुकूंगा तो यार कोई तीसरा बंदा मेरे को फिर फिनिश कर देगा। तो ये वाला कंपाउंड अभी के लिए जोन के अंदर था, और लेकिन यहाँ पे अभी के लिए तो कोई और बंदा था नहीं, लेकिन जो अपने राइट साइड वाला कंपाउंड था वहाँ पे अभी एक और बंदा आके रुक जाता है। अब यहाँ पे मैं नेड करने का सोचा था, लेकिन ये बंदे का मेरे को सही से साउंड नहीं आया था, तो मैं सोचा अभी के लिए नेड यहाँ पे वेस्ट नहीं करता हूँ। उतने में राइट साइड से अभी एक और मेरे को बग्गी का साउंड आता है, और ये बंदा भी सामने वाले शैक पे आके रुकता है।
अगर यहाँ पे सामने चेक पे दोनों बंदों की फाइट होती है, इसके बाद दूसरे वाले बंदे को एकदम इजी में नेट से फिनिश कर देता हूँ। तो यार ये वाले बंदे को भी एकदम इजी फिनिश कर दिया। फिलहाल के लिए अच्छी बात ये थी कि इसके बाद वाला जोन भी अभी के लिए अपने ऊपर ही बन गया था। तो भी यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत लूट वगैरह कर ही रहा था, तभी अपने लेफ्ट साइड से मेरे को एक बंदे का गन साउंड आता है। अब यहाँ पे मेरे को सामने डासिया दिखती है, बंदा तो स्पॉट नहीं हुआ था लेकिन मेरे को लगा था बंदा डासिया के आसपास ही होगा, तो रैंडम एस पे लेता हूँ और लकीली बंदा एकदम इजी फिनिश भी हो जाता है। अब यार यहाँ पे ये वाले बंदे को अच्छा खासा डैमेज हो दिया था। फिलहाल के लिए इसके बाद वाला जोन भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। अब ये बग्गी वाले बंदे का टायर मैंने पहले ही फोड़ दिया था, मेरे को पता था ये वाला बंदा भी जोन के अंदर आने का ट्राई तो करेगा, लेकिन यहाँ पे मैं डैमेज देता हूँ लेकिन बंदा जो था भी जोन से ही फिनिश हो जाता है। अब यार ये बग्गी वाले बंदे में मैं काफ़ी शोर से देने का ट्राई करता हूँ, लेकिन अभी इस बंदे को कोई और बंदा M4 से फिनिश कर देता है। फिलहाल अभी इसके बाद वाला जोन अपने शिफ्ट हो चुका है, तो अभी सामने साइड पर जो शेक था ये वाला शेक जोन के अंदर था, तो मेरे को पता नहीं था अभी यार शेक में कोई बंदा है या नहीं, तो यहाँ पे एक रैंडम मैं सामने वाली साइड पर स्मोक कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो शेक वाला बंदा था ये वाला बंदा पहले ही बग्गी लेके ऊपर राइट साइड में गया था, जिसको कि सामने साइड से किसी और बंदे ने फिनिश भी कर दिया था। लेकिन फिर भी एक बार मैं चेक करने के लिए स्मोक कर देता हूँ, अगर कोई और बंदा यहाँ पे आया तो यार वो वाला बंदा अपने पे शॉर्ट्स ना ले पाए। तो अभी के लिए ये वाली जगह यहाँ पे जोन के अंदर थी, यहीं पे आके मैं रुक जाता हूँ। राइट साइड में स्मोक को रखा था, मैं समझ गया एक बंदा अपने कहीं पे राइट साइड में हो सकता है और एक बंदा अपने लेफ्ट साइड से तो फायर कर ही रहा था। फिलहाल यहाँ पे जो लास्ट वाला जोन था अभी राइट वाली साइड को शिफ्ट हो जाता है। अब एक बंदा जो अपने सामने वाली साइड पे कहीं पे था, ये वाले बंदे पे मैं रैंडम एक नेट ट्राई करता हूँ, उससे कुछ ज़्यादा अपना फायदा होता नहीं है। लेकिन अभी यार यहाँ पे ये वाला जोन भी स्टार्ट होने वाला था और अभी अपने को जोन के अंदर भी निकलना है। अब यार यहाँ पे ये दोनों बंदों की फाइट हो जाती है और दूसरे वाले बंदे को एकदम इजी मैं नेट से फिनिश कर देता हूँ। तो ये वाले गेम में अपने को अच्छा खासा 28 का प्लस मिल गया था, तो भी अपने को अपना रैंक सेव करने के लिए शायद से एक दो मैचेस और खेलने पड़ेंगे। बाकी ये भाई के अकाउंट में कल मॉर्निंग में कॉन्करर मिल जाएगा और कल से कोई और अकाउंट से रैंक कुछ अपना वापस से स्टार्ट करेंगे। बाकी आप में से जो लोग अभी एस पे 100 पॉइंट कराने वालों के लिए 200 पॉइंट का आपका कल का टारगेट रहेगा। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।